सरकार सिकंदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पहली मर्तबा हाजिरी लगाने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं ममनून और मशकूर हूँ। हिंदुस्तान के माइनर्स ऑर्गेनाइजर अपने चचा इब्राहिम चचा का मुझे यहाँ लाने में आपकी बहुत मेहनत रही है। सबसे पहले कुछ हमदिया कतात उस माली के दो जहान जिसने हमें आपको और तमामी कुल कायनात को बनाया पैदा किया उसकी शान में, उसके बाद एक नाते रसूल और उसके बाद सिलसिला बसिलसिला जैसा सरकार की मर्जी इंशाल्लाह एक तवज्जो व तारीफ। इजाजत है इब्राहिम चचा, इजाजत है अपने सभी म्यूजिशियंस अपने बड़े भाई साजिद भाई से और साउंड वालों से भी इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह तेरा नाम है, भगवान तेरा नाम ए मेरे मालिक। अल्लाह तेरा नाम है, भगवान तेरा नाम और लेता हर एक हिंदू मुसलमान तेरा नाम और ये सब अपनी जबानों में तुझे याद करे हैं। गीता भी तेरा नाम है, कुरान तेरा नाम, गीता भी तेरा नाम है, कुरान तेरा नाम। और जितने भी कमेटी के तमामी हजरात, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, आप सभी से खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ क्योंकि हुक्म यह हुआ है कि प्रोग्राम जल्दी शुरू किया जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको नए से नया कुछ सुनाने की कोशिश करे आपका बच्चा। मैं उस माली के दो जहन से क्या कह रहा हूँ क्योंकि अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले ग्रैंड चाचा मैं ये जरूर पढ़ता हूँ क्या ए मेरे अल्लाह। मेरे कलम को हो पाकीज़ा रोशनाई दे, कह दो आमीन। मेरे कलम को वो पाकीज़ा रोशनाई दे के बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे और तमन्ना ताजो हुकूमत न मालो दौलत की बिलाल जिस पे तौते थे वो चटाई दे और मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना, मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना जहां से तेरे नबी का महल दिखाई दे, क्यों जहां से तेरे नबी का महल दिखाई दे। नाते पाक के मिसरों में आपसे खुसूसी तवज्जो कर चाह रहा हूं कि नाते रसूल कहने की जुरात ना कर कभी, सुभान अल्लाह, नाते रसूल कहने की जुरात ना कर कभी, तेरे दिलो दिमाग का जब तक वजू ना हो और मंसूर वो मकाम है जिक्रे रसूल का इस गुफ्तगू के बीच कोई गुफ्तगू ना हो, इस गुफ्तगू के बीच कोई गुफ्तगू ना हो। और कड़पा मदनपल्ली के एक बहुत मशहूर शायर कमर अमीनी साहब कहते हैं कि नबी के इश्क को मोहब्बत में नात पढ़ता हूं, नबी के इश्को मोहब्बत में नाच पढ़ता हूँ, मैं उम्मती हूँ अकीदत में नाच पढ़ता हूँ और नुज़ूल रहमत बारी है कमर चारों तरफ
यूं लगे है कि मैं मदीने में नाच पड़ता हूँ। आपसे भी तवज्जो चाहता हूँ किस बात पर, आशिक रसूल फरमा रहे हैं क्या? संडे आना, संडे आना, संडे आना, संडे आना। दुहा बदरु तूता जो मुत्तला भी है, बड़े भैया मैं खुश नसीब समझूंगा अगर आप अपने छोटे भाई के पास आ जाएं, क्योंकि ये मेरे नबी का जिक्र है। कमेटी के ही मेंबर हैं शायद, उनकी जानिब से बहुत सारा सबका रसूल मेरी झोली में आया है। मैं तहे दिल से मेरी पार्टी आपके ममनून और मशकूर है इस बात पर। अकबर
अकबर अली असगर जहां कासिम से प्यासे ने अकबर अली असगर जहां कासिम से प्यासे ने कदमों से उनके संग भीमू खोलने लगे हाय हाय वो मेरे नबी है कोई ऐसी बात नहीं शाने मुस्तफा देखो कदमों से उनके संग भीमू खोलने लगे कदमों से उनके संग भीमू खोलने लगे आर्टिस्टों के बीच में लेकिन जो किराया दे रहा हूं मुझे उम्मीद है कि मेरे को आर्टिस्ट भाई भी और आप तब लोग तड़प जाएंगे जिसने बोला हुसैन के मानने वाले जहन में रखे वो मेरे नबी हैं थे पीठ पर हुसैन तो सजदा बढ़ा दिया पीठ पर हुसैन तो सजदा बढ़ा दिया इस दर्जा चाहते थे मोहम्मद हुसैन को इस दर्जा चाहते थे मोहम्मद हुसैन को इस दर्जा चाहते थे मोहम्मद हुसैन को लेकिन खुदा के दीन की जब बात आ गई परवेज लतीफ गेबान साहब आपकी जानिब से बहुत सारा प्रदेश सचिव है मेरे बड़े भाई अल्लाह आपको इस जिले का बड़े से बड़ा नेता बनाए सरकार के तोहफे में अल्लाह आपके सपनों को पूरा करे मेरे मौला हुसैन का सदका आया है मैं खुश नसीब हूँ किस बात पर पर हुसैन तो सजदा बढ़ा दिया
सारी भूल इस बात पर तुम पर दुरूद भेजिए और भेजिए सलाम। अल्लाह के महबूब नबी सैयदुल अनाम, उन पर दुरूद भेजिए और भेजिए सलाम। अल्लाह के महबूब नबी सैयदुल अनाम, सुना रहा हूं इसके बाद आज का बिल्कुल नया कलाम दूंगा। वो मेरे नबी है,